नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा के टू एच न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 64वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थान के कई जिलों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि विधायक रामकेश मीणा का विद्यालय के गेट पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामकेश मीणा एवं अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर पंकज ओझा ने की तथा विशिष्ट अतिथि उप जिला कलेक्टर विजेंद्र मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामकेश मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी राम खिलाड़ी बैरवा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्यामलाल सागावत, स्कूल परिवार के जिला अध्यक्ष अनुज शर्मा, तहसील अध्यक्ष अवधेश जैमनी ने शिरकत की। माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया व अतिथियों के लिए स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को माला व साफा पहनाकर प्रतीक्षण भेंट किए। प्रतियोगिता संयोजक देवीलाल मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता संचालन में सहयोग कर रहे प्रधानाचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों को प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व विद्यालय परिवार मौजूद रहा। पधारे हुए अतिथि से हमारे खिलाड़ियों का, हमारे टीम इंचार्जेस का, हमारे कोचेज का, हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों का, चयन समिति के सदस्यों का, हमारे दो खेल मैदान स्थानीय विद्यालय में है और दो खेल मैदान पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी के प्रांगण में है। इस तरीके से आज ओपनिंग होगा और 18 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। करौली जिले में सपोटरा उपखंड के ग्राम पंचायत कालागुड़ा के गांव शिविर बाग में कैला देवी अभ्यारण्य की उदासीनता से 5 दिन से आबादी व जंगल क्षेत्र में विचरण कर रहे टाइगर टी 104 ने अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठे एक 26 वर्षीय युवक पर पीछे से सिर व गर्दन पकड़कर हमला कर घसीटते हुए रतालू के खेत में ले गया, लेकिन परिजन व ग्रामीण लामबंद होने पर टाइगर युवक को मृत अवस्था में खेत पर छोड़कर बाजरे के खेत में भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के ASF के पहुंचे ग्रामीणों ने उनका घेराव किया और आक्रोश व्यक्त किया। दूसरी ओर मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। अलवर जिले में भारत विकास परिषद अलवर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वामी विवेकानंद स्मरणजलि स्वरांजलि के स्वरूप विश्वविख्यात शिकांगो भाषण की 127वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गणेशी लाल एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष CA श्री किशन गुप्ता रहे। इस मौके पर विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ये मकान में वो रहे थे और वहाँ भी काफ़ी दिनों तक रहे थे और वहाँ उन लोगों को वो पत्र भी लिखते रहे। 1893 में मैडम हेल के यहाँ से शिकागो का जो उनका स्थायी निवास था वहाँ से उनको पत्र भी लिखते रहे थे। और 1893 को स्वामी जी ने शिकागो में जो एक अविस्मरणीय भाषण दिया था और भारत के बारे में अमेरिका में विश्व को बताया था कि भारत एक महान देश है, उसकी स्मृति में आज इसको 126 साल हो गए हैं, उसकी स्मृति में आज यहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है,
उसमें बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में मामा बालेश्वर तिराहे पर गणेश सेवा मंडल के सहयोग से विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर के कवियों को आमंत्रित किया। कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं कवि सम्मेलन की एक झलक। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है मित्र, क्या सुनाएंगे कवि जरा विचार कीजिए। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है मित्र, क्या सुनाएंगे कवि जरा विचार कीजिए। ओ सूखा सूखा तन मन और ये वातावरण, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए। तो मैं दर्पण दिखलाता हूँ मिटाने वाले को, लेकिन कैसे गाली दे को देश बनाने वाले को। राम रूप ने आजादी की खाई फाट कर रख डाली, राम रूप ने आजादी की खाई फाट कर रख डाली, और लखन ने सिर पंखा की नाक काट कर रख डाली।